स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले साइड में लाइव प्रूफ देख सकते हो गाइस, ये पड़ा है मेरा जो प्ले स्टोर है और मैं अपने प्ले स्टोर पे जाता हूं, ओपन करता हूं, सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और यहां पे कैपकट एप्लीकेशन जैसे मैं सर्च करता हूं तो देख सकते हो वन क्लिक में मेरा कैपकट वीडियो एडिटर एप्लीकेशन है मेरे गूगल प्ले स्टोर पे आ चुका है। और दोस्तों जैसे मैं इंस्टॉल वाली ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो मेरे जो कैपकट एप्लीकेशन है मेरे गूगल प्ले स्टोर से इजिली यहां पर डाउनलोड होना स्टार्ट यहां पर हो चुका है। सो गाइस अगर आप लोग भी कैपकट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो 2023-2024 में लेकिन आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, आपको ये प्रॉब्लम जाती है, मैं आपको दिखा देता हूं साइड में। जब भी आप डाउनलोड करने जाते हो मेरे भाई, जैसे आप लिख के डाउनलोड करने जाते हो अपना कैपकट एप्लीकेशन अपने गूगल प्ले स्टोर पे तो आपको ये वाली प्रॉब्लम आती है जिसमें लिखा है लुकिंग फॉर कैपकट वीडियो एडिटर, दिस ऐप इज नॉट अवेलेबल। सो गाइस ये आपको सेम प्रॉब्लम आती है जब भी आप अपने गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करते हो अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन पे। अगर आईफोन में आपको डाउनलोड करना है कैपकट तो उस वीडियो का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी मैं एंड्रॉइड के लिए बताऊंगा कि एंड्रॉइड में कैसे डाउनलोड कर सकते हो आप 2023-2024 में। तो चले गाइस वो ट्रिक वो मेथड आपको बता देते हैं मेरे भाई यहाँ पे कैपकट कैसे डाउनलोड करें, हाउ टू डाउनलोड कैपकट। पहले मेरे भाई आपको कैपकट एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो गाइस सबसे पहले आपको साइड में अपनी मोबाइल फोन स्क्रीन पे आ जाना है, ठीक है। मोबाइल फोन स्क्रीन पे ही मैं आपको बताऊंगा कि कैपकट एप्लीकेशन आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है अपने गूगल प्ले स्टोर से। तो गाइस सबसे पहले देखो अगर आप लोग अपना प्ले स्टोर ओपन करते हो तो आपके में नहीं आता कैपकट, लेकिन मेरे में देख सकते हो इजीली डाउनलोड भी हो रहा है, इंस्टॉल भी हो रहा है। जैसे मैं क्लिक वाली ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूं, इंस्टॉल वाली ऑप्शन के बटन पे क्लिक करता हूं तो देख सकते हो मेरे जो यहां पे कैपकट एप्लीकेशन है वो वीडियो एडिटर है, देख सकते हो डाउनलोड हो रहा है जो कि 127 MB का है। पूरा कंप्लीटली डाउनलोड होने के बाद मैं आपको तुरंत मिलता हूं, इसको डाउनलोड कर लेता हूं। लेकिन आपको कैसे डाउनलोड करना है तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए देखो आपको सबसे पहले एक ईमेल आईडी बनानी पड़ेगी, वो भी अदर कंट्री के अंदर, ठीक है। यानी कि दूसरे कंट्री में आपको एक ईमेल आईडी जनरेट करनी पड़ेगी तभी आपका जो कैपकट एप्लीकेशन है आपके गूगल प्ले स्टोर पे आएगा, जैसे कि मेरे में आ रहा है और डाउनलोड भी हो रहा है। अगर आपको गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना है, अगर नहीं करना है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड तो आप वीडियो के अंदर दूसरी ट्रिक देख लेना, वीडियो को यहां से थोड़ा स्किप करके आप आगे जा सकते हो। लेकिन आप अगर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो कंप्लीट देखना और दूसरी ट्रिक भी आप साथ में देख लेना। तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको एक वीपीएन डाउनलोड करना पड़ेगा, कोई भी एक वीपीएन आप सर्च कर लेना गूगल प्ले स्टोर से, आपको बहुत सारे वीपीएन मिल जाएंगे। जैसे कि मैं एक वीपीएन सजेस्ट करूंगा आपको, थंडर वीपीएन इसका नाम, ये वाला वीपीएन आपको जो डाउनलोड कर लेना है। इस वीपीएन पे जाना है, वीपीएन पे जाने के बाद इस वीपीएन को आपको ओपन करना है, ठीक है। यहां पर जैसे इस वीपीएन को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद इसके अंदर जो आपको कंट्री में जो आपको बताऊंगा वो आपको कनेक्ट करनी है। तो यहां पे देखो आपका सर्वर आएगा, इस पर क्लिक कर देना। यहां पे देखो यूनाइटेड स्टेट, सिंगापुर, आपको बहुत सारी कंट्री मिल जाएंगी, तो आपको कोई भी एक कंट्री यहां पे सिलेक्ट कर लेना, कोई भी, ठीक है। ये देख सकते हो सारी कंट्री आ जाएंगे, कोई भी एक सर्वर आपको कनेक्ट कर लेना, ठीक है, कोई भी एक सर्वर आपको कनेक्ट कर लेना है। जैसे सर्वर को कनेक्ट करोगे या कोई अदर वीपीएन भी आप ट्राई कर सकते हो, ये नहीं कि यही वीपीएन ट्राई करो, कोई अदर भी ट्राई कर लेना, जो भी आपका अच्छा हो, जो आपके मोबाइल फोन पे पड़ा हो। फिर आपको अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है, यहां पे देखो ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे गूगल पे क्लिक करना है, गूगल पे क्लिक करने के बाद चेकिंग टू होगा, यहां पे अपना जो आपको अपना यहाँ पे अंगूठा लगा के आपको जो है सिस्टम दे देना है, ठीक है। यहाँ पे चेकिंग इन्फो ये करेगा, चेकिंग इन्फो जैसे इसकी कंप्लीट होगी, यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी न्यू जनरेट करनी पड़ेगी यूएसए या सिंगापुर में, ठीक है। एक न्यू बिल्कुल क्रिएट करना पड़ेगा आपको अकाउंट, फिर आपको न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप टेंशन मत लेना। देखो हो रहा है चेकिंग इन्फो यहाँ पे, और कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट ले गया ये भाई, थोड़ा चेकिंग करेगा, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आपको क्रिएट अकाउंट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, फॉर माय पर्सनल यूज पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो अपना जो एक अकाउंट आपको क्रिएट कर लेना, ठीक है। मैं फटाक से एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, आप लोग भी एक अकाउंट क्रिएट कर लेना गूगल का, ये तो आप कर ही लोगे छोटा सा काम। उसके बाद मैं आपको तुरंत मिलता हूँ मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, सोर नेम आप सारा डाल के जल्दी से एक अकाउंट क्रिएट कर लो, मैं भी कर लेता हूँ यहाँ पे। दोस्तों आप दूसरे सर्वर में वीपीएन लगा के जो है भाई यहाँ पे ईमेल आईडी क्रिएट कर लोगे, जैसे कि सिंगापुर यूनाइटेड स्टेट में। फिर आपको यहाँ पे फिर से दोबारा अपना जो प्ले स्टोर है ओपन करना है। देखो आपका जो प्ले स्टोर है यहाँ पे आ जाएगा, इसको ओपन करना, उसी ईमेल आईडी से अपना प्ले स्टोर ओपन करना है जो आपने क्रिएट की है न्यू ईमेल आईडी, ठीक है। कान खोल के सुन लेना, जो आपने न्यू ईमेल आईडी क्रिएट की है सिंगापुर यूनाइटेड स्टेट या कोई से भी कंट्री के ऊपर, तो वही ईमेल आपको अपना यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करके ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप उस वाले प्रोफाइल पे आओगे, उसमें सिलेक्ट कर लेनी अपनी ईमेल आईडी, यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, फिर यहाँ पे सर्च करना है आपको, उसी जो है आपको ईमेल आईडी के अंदर वीपीएन लगा के कनेक्ट होना चाहिए कैपकट, और जैसे आप सर्च करोगे तो आपका कैपकट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कैपकट वीडियो एडिटर, तो आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर पाओगे पहले ट्रिक से। तो यहाँ पे ओपन करके आप इसको यूज भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं की, एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है और अलाउ पे आपको क्लिक कर देना है, अलाउ पे क्लिक करने और टू नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, और यहाँ पे देख सकते हो आपको 100 नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है।
और आपको जो कैपकट यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन जो प्रॉब्लम आती है वो आप यहीं की सॉल्व हो जाएगी। आपने जो वीपीएन डाउनलोड किया हुआ है उस वीपीएन को अपने मोबाइल फोन के ऊपर ही रहने देना है, क्योंकि भाई कैपकट विदाउट इंटरनेट नहीं चलते, तो इसमें आपको भाई वीपीएन का साथ चाहिए ही चाहिए होगा। और आपको यहाँ पे फिल्टर अगर वगैरह ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको वीपीएन की जरूरत पड़ेगी ही मेरे भाई। अगर आप वीपीएन कनेक्ट कर दोगे तो आपको नो इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम आएगी मेरे भाई, ठीक है। तो वीपीएन आप रख ही लेना, मैं आपको यही बोलूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरी ट्रिक बताता हूँ। तो दूसरी ट्रिक में आपको कैसे अपना कैपकट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है विदाउट वीपीएन, विदाउट क्रिएट ईमेल आईडी। तो इसके लिए देखो आपको सिंपल सा अपना जो गूगल क्रोम एप्लीकेशन है वो आपको ओपन करना है, ठीक है। यानी कि गूगल क्रोम आपको ओपन करना है। गूगल क्रोम जैसे ओपन करोगे सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मेरा एक वेबसाइट देखने को मिलेगा, ये वाला आपको सर्च कर देना है, जिसका नाम है स्विल बैटर। जैसे आप सर्च करोगे तो आप मेरी वेबसाइट के ऊपर आओगे, क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे देखो आपके सामने इस तरह से लोडिंग होगी, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट कर लेना, ठीक है। जैसे आप वेट कंप्लीट करोगे इसके अंदर आपको मेरी वेबसाइट के अंदर चले जाना है। वेबसाइट के अंदर जाने के बाद यहाँ से आपको कैपकट एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड इंस्टॉल करना है वन क्लिक में। वेबसाइट पे आने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको लोड मोर का, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो कैपकट एप्लीकेशन है यहाँ पर कैसे डाउनलोड होगा, कैसे इंस्टॉल होगा, तो ये वाली पोस्ट आएगी। तो टॉप 3 लोन एप्स, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस पोस्ट के अंदर आने के बाद देखो आपको एक नीचे यहाँ पर देखो आपको एक क्लिक हर टू डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। इस क्लिक हर टू डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस क्लिक हर टू डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको जो कैपकट एप्लीकेशन है वहां पे वन क्लिक में डाउनलोड एंड इंस्टॉल होना स्टार्ट यहां पर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप कैपकट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो 2023-2024 में। अगर आपको आईफोन के ऊपर डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा और आपका कैपकट एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है दो ट्रिक से, तो मेक श्योर लेना चैनल पे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। तो चलेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय मेरे दोस्तों यहां पे।